नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। संसद पहुंचे पीएम मोदी, कहा यह कालखंड देश के लिए अहम, सबके प्रयास से चलता है लोकतंत्र। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में छात्रा की मौत के बाद स्कूल के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई, प्रिंसिपल समेत 3 लोग गिरफ्तार। ओडिशा से छत्तीसगढ़ तक सैलाब का सितम, कहीं बाढ़ से तबाही तो कहीं घर छोड़ने को मजबूर, मुसीबत में देवदूत बनी सेना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अचानक हुआ ग्रेनेड विस्फोट, सेना के कप्तान और जेसीओ शहीद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कपड़ा गोदाम में लगी आग, करोड़ों का माल जलकर राख। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल में बड़ा हादसा, मालगाड़ी के 16 डिब्बे बेपटरी, दिल्ली मुंबई रेल रूट की ट्रेनें प्रभावित। हिमाचल के सतलज में बाढ़ का अलर्ट, करछम डैम से छोड़ा 100 क्यूसिक पानी, नदी के पास ना जाने की एडवाइजरी, कुमार सेन में बादल फटा। सड़क धसने का लाइव वीडियो आया सामने, भारी बारिश के बाद अहमदाबाद के वस्त्रालय इलाके में धस गई पूरी सड़क, बड़ा हादसा चला। बिहार के सिवान के महेंद्रनाथ मंदिर में भगदड़, एक महिला की मौत, सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे भक्त। देश में कोरोना मामले में आई बड़ी गिरावट, 24 घंटे में मिले 16,935 नए केस, 51 की मौत। जगदीप धनखड़ ने बंगाल गवर्नर पद से दिया इस्तीफा, उपराष्ट्रपति के लिए आज नामांकन दाखिल। टेरर फंडिंग का नया पैटर्न, पीओके में आतंकवादी अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेच रहे, घाटी में टेरर फंडिंग में कर रहे सहयोग। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, का भी कांग्रेस हाईकमान पर लगाया था टिकट बेचने का आरोप, राजस्थान समेत 4 राज्यों के राज्यपाल ने। बीजेपी की शहरी ताकत को दिग्विजय सिंह ने भी माना ओवैसी पर, फूटा कांग्रेस की हार का गुस्सा। एमपी के सिंगरौली में आपकी मेयर कैंडिडेट जीती, बुरहानपुर में ओवैसी की बिगाड़ कांग्रेस का खेल, इंदौर में भाजपा की सबसे बड़ी जीत। अमरोहा में बस की टक्कर से कावड़ियों की मौत, गुस्साए कावड़ियों ने 7 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की, गंगाजल भरकर मुरादाबाद लौट रहे थे। छात्र ने रामपुरी चाकू से किया साथी पर जानलेवा हमला, स्कूटी टकराने को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी छात्र फरार। यूपी में देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पहला वोट। योगी कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना को दी मंजूरी, युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने का रास्ता साफ। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, विशेष
पुण्यकारी शोभन योग में कामेश्वर मंदिर महादेव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिजनौर प्रशासन की बड़ी अनुमति के चल रही प्रदर्शनी, पुलिस ने देर रात कराया बंद, पिछले दो सालों से नहीं हो रही नुमाइश। गर्लफ्रेंड के ससुर को मारने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार, टैक्सी में हुई थी कविता और परवेज की दोस्ती, प्रॉपर्टी के लिए किया लूट मर्डर। हरदोई में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी, दो दुकानों से 20 पेटी चिंचा बरामद, दोनों मेडिकल स्टोरों को टीम ने किया सीज। चंदौली में 13 साल का छात्र लापता है, स्कूल से नहीं लौटा घर, भारतीय करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने किया ट्वीट, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में स्वीट्स हाउस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। भाजपा नेत्री की दबंगई का वीडियो वायरल, मुरादाबाद में ठेले वाला बोला फ्री में खाती थी बिरयानी और पैसे भी मांगती थी। शामली में पालिका के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा, अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप, बोले दूषित पानी की हो रही सप्लाई। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाना बिरादरी का सम्मान, बोले भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत। ललितपुर में चिकित्सकों से व्हाट्सएप कॉल से मांगी गई रंगदारी, डीएसपी बनकर युवक से किया कॉल। सरदार भगत सिंह को आतंकवादी कहने पर भड़के परमहंस, अयोध्या में दूसरे दिन आमरण अनशन तोड़ा, बोले सांसद के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। बाराबंकी में कांवड़ियों से भरी पिकअप पलटी, लोधेश्वर महादेव मंदिर से लौट रहे थे, हादसे में 5 कांवड़िए घायल, 1 की हालत गंभीर। झांसी में चाकू लेकर छात्रा के घर में पहुंचा युवक, शादी का दबाव बना रहा था, मना किया तो कॉलेज जाना भी मुश्किल हुआ। मथुरा में ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई, 8 वाहनों को सीज कर 5 लाख का लगाया जुर्माना, 3 लोगों को किया अरेस्ट। सात महीने में 60 से ज्यादा पर लगा गुंडा एक्ट, भदोई में अपराधियों की 9 करोड़ रुपए की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क। बरेली में बंदरों का आतंक, तीसरी मंजिल से 4 महीने के बच्चे को फेंका नीचे, मौत। हयात जफर हाशमी का कबूलनामा, बंदी के लिए दिए 1 लाख, धार्मिक मकसद बढ़ाने के लिए कहा से आते हैं धन। बिजनौर में मनचले ने की महिला से छेड़छाड़, महिला ने युवक सरेआम जमकर पीटा, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। एटा में चला प्रशासन का बुलडोजर, बस स्टैंड के पास से हटा अतिक्रमण, कांवड़ियों के आगमन के लिए हुई व्यवस्था। बाराबंकी में शॉर्ट सर्किट से फॉर्च्यूनर कार में लगी आग, बीच सड़क पर धू धू कर चली कार, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। महाराजगंज में वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक बरामद, तमंचा और कारतूस बरामद, पुलिस आरोपी की कर रही थी तलाश।
मथुरा में कूड़े के ढेर में योगी मोदी की तस्वीर, नगर निगम ने सफाई कर्मियों को किया सस्पेंड, लोग बोले ये कहां का इंसाफ है। खुद को विहिप महानगर अध्यक्ष कहने वाले शख्स ने रिवॉल्वर लहराई, विहिप और बजरंग दल के नए पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए पोस्ट की गई। रायबरेली में मंदिरों पर शिव भक्तों की उमड़ी भीड़, गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। नवी की छात्रा रोते बिलखते पहुंची थाने, बोली किताब वाले अंकल ने बुक के 85 रुपए ज्यादा लिए, वापस करा दीजिए। अखिलेश की डिनर डिप्लोमेसी पार्टी के 111 विधायकों को बुलाया, 60 पहुंचे, सपा प्रमुख ने यशवंत सिन्हा को वोट देने के लिए कहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए देहरादून विधानसभा में वोटिंग, सीएम धामी ने किया मतदान। उत्तराखंड में पुलिस और सीआईएसएफ की महिलाओं से झड़प, चारा पत्ती के गट्ठर छीने, वाहन में बिठाकर थाने ले गए। उत्तराखंड में अगले 3 दिन 7 जिलों में भारी बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। हर घर तिरंगा अभियान, उत्तराखंड में 13 से 15 अगस्त तक 20 लाख घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा। उत्तराखंड में दोस्त ही निकले कातिल, महज 3000 रुपए के लिए हैवान बने दोस्त, बेरहमी से हत्या कर गड्ढे में दबा दिया पवन का शव। उत्तराखंड में फौजी गिरोह का सरगना, 3 साथियों के साथ गिरफ्तार, बाबाओं के भेष में करते थे घरों की रेकी। साढ़े 9 घंटे बाद खुला भूस्खलन से बंद यमुनोत्री हाईवे, सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने ली राहत की सांस। बरसात से थमे यात्रियों के कदम, बद्रीनाथ केदारनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या प्रतिदिन 1000 पहुंची। देहरादून में 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में लोगों ने उठाए सवाल, टायरों को किया के हवाले, लगाया जा। कैलाश यात्रा करके लौट रहे थे 40 श्रद्धालु, 36 घंटे बूंदी में फंसे, उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में हाउस टैक्स जमा करने की रियायत अवधि बढ़ाएगा निगम, 3 माह में 20% हो पाएगी टैक्स वसूली। रुद्रपुर में पुलिस ने रोकी बड़ी वारदात, 6 बाइक और 1 कार से मिली लाठी डंडे, युवक फरार। उत्तराखंड में मसूरी में नहीं रुक रहा पर्यटकों का हमला, अब टैक्सी चालक को मारा पेचकस। कोरोना वायरस की उत्तराखंड में होगी हार, 100% को लगेगी पहली डोज। देहरादून के सरकारी अस्पतालों में, 3 सरकारी अस्पतालों में नहीं मिला इलाज, बुजुर्ग की मौत। श्रीलंका में फिर इमरजेंसी, 4 महीने में 4थी बार आपातकाल लगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने घोषणा की।
ईरान के पास अब परमाणु बम बनाने की क्षमता, आयतुल्ला के सलाहकार की इसराइल को दी चेतावनी। यूएई ने जमाल खशोगी हत्या मामले के अमेरिकी मूल के वकील को गिरफ्तार किया, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। एलएसी पर तनाव कम करने को भारत चीन के बीच 12 घंटे चली सैन्य वार्ता, सेना हटाने को ड्रैगन पर डाला गया दबाव। चीन और सूडान में बाढ़ का कहर जारी, 13 लोगों की मौत, पानी में डूबे सैकड़ों घर। अमेरिका के मॉल में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, 2 घायल, आर्म्ड सिविलियन ने हमलावर पर फायरिंग से उसे मार गिराया। ट्रेन से चांद और मंगल पर जाने की तैयारी, दूसरे ग्रहों तक ट्रेन चलाएगा जापान, चांद मंगल पर मिलेगी धरती जैसी सुविधाएं। पंजाब उपचुनाव में इमरान खान की बल्ले बल्ले, 20 में से 18 सीटों पर पीटीआई आगे, हमजा शहबाज की जाएगी कुर्सी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने बचपन के दोस्त को बताया गद्दार, कहा 60 से ज्यादा लोग यूक्रेन के खिलाफ काम कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी शहर पर हमले किए, पूर्व में भी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश, अब तक 353 यूक्रेनी बच्चों की मौत। अब और सताएगी महंगाई, दूध के प्रोडक्ट और आटे पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी, होटल रूम के लिए चुकाने होंगे ज्यादा रुपए। गूगल के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी में भारत सरकार, डिजिटल मीडिया के साथ सही रेवेन्यू शेयर करना होगा। कोविड-19 के कारण खाड़ी देशों से भारत भेजे जाने वाले धन में आई कमी, आरबीआई के सर्वे में हुआ खुलासा। जून तिमाही में फिटनेस स्टार्टअप पर हुई धन की बारिश, कुल 48,000 करोड़ का आया निवेश। कच्चे तेल में फिर से उछाल, डॉलर में गिरावट और सप्लाई साइड की समस्या से क्रूड ऑयल को मिला सपोर्ट। भारतीय मूल की नौरीन हसन बनी यूबीएस अमेरिका की अध्यक्ष, अक्टूबर से संभालेंगी कुर्सी। डोज कॉइन ने लगाया दांव, बास्केटबॉल टीम एलियंस ने जीते मेडल। बिल गेट्स को पीछे छोड़ अडानी, चौथे सबसे अमीर बने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, 20वें नंबर पर पहुंचे। चीन की सरकार की सख्ती के डर से टेंसेंट ने बंद किया एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सेकेंडरी मार्केट में बेचने पर लगाया रोक। वेलफिन बनी स्पेन के एटलेटिको मैड्रिड की किट स्पॉन्सर, साथ ही डिजिटल वेल्थ और डिजिटल लाइफस्टाइल पार्टनर भी बना। जडेजा 4 गेंद में 2 बार बने सुपरमैन, बाउंड्री में 1 इंच की दूरी पर लिविंग स्टोक का कैच लपका। मीटर रेस में पहली बार क्लीन स्वीप, 10.67 सेकंड में रेस पूरी करके चैंपियन बनी शैली प्रेसी, तीनों मेडल जमकर जीते।
कोहली से सलाह लेकर मोहम्मद सिराज बन गई जो रूट के लिए काल। सिराज के पूर्व कप्तान जो रूट को आउट कर इंग्लैंड को दिया तगड़ा झटका। न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, सिर्फ कमिंस को मिला आराम। बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज बने। आठ साल बाद अंग्रेजों के घर में सीरीज फतेह, पंत के तूफानी शतक से तीसरे वनडे में भारत 5 विकेट से जीता। हार्दिक बैट और बॉल दोनों से चमके। बटलर पर सिराज का बाउंसर अटैक, लगातार 2 गेंद हेलमेट पर लगी, बार बार मेडिकल टीम को आना पड़ा, हेलमेट भी टूटा। पंत ने जीत के बाद रवि शास्त्री को दी जश्न मनाने के लिए शैंपेन की बोतल, पूर्व कोच की खुशी का ठिकाना न रहा। श्रीलंका से शिफ्ट हो सकता है एशिया कप, यूएई में कराया जा सकता है टूर्नामेंट। आर्थिक राजनीतिक संकट के कारण वेन्यू में बदलाव। लुंगी एनगिडी ने की एमएस धोनी की जमकर तारीफ, आईपीएल में खुद पर विश्वास जताने के लिए कहा शुक्रिया। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक की वेडिंग, एंगेजमेंट के 20 साल बाद रचाई शादी, बोली प्यार खूबसूरत होता है। बाप बेटे का क्यूट वीडियो वायरल, सुपरस्टार यश को जूनियर यश ने बताया बैड बॉय, पत्नी राधिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। आठ साल के आदित्य बने डांस दीवाने जूनियर्स के विनर, बोले प्राइज मनी से मैं अपने दादाजी के लिए नया घर खरीदूंगा। करण ने शेयर किया फनी वीडियो, करण जौहर ने गाया केसरिया सॉन्ग, बेटी ने चुप करा दिया। गोल्ड डिगर कहने वालों को सुष्मिता का जवाब, बोली मेरे पास सोना नहीं हीरे की परख रखने वाले जौहरी का हुनर है। कैटरीना कैफ ने मालदीव में सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, गिफ्ट की फोटो शेयर कर दिखाई खास दिन की झलक। ट्रोलर्स को ललित मोदी का जवाब, बोले मेरे बीसीसीआई ज्वाइन करते वक्त उनके पास 44 करोड़ थे, जब छोड़ा तो 47,000 करोड़ हो गए। फोन बूथ के सेट से बीटीएस वीडियो, कैटरीना कैफ को स्टार ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। सुनील शेट्टी ने की थी भाईजान की मदद, आईफा अवार्ड्स में पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हुए सलमान खान, अहान को लगाया गले। द गॉन गेम 2 की एक्ट्रेस हरलीन सेठी, बोली मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, मुझे मेरी डांस स्किल एक्टिंग में खींच लाई। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।